बोलेगा कि मैं 250 में दे देता हूँ, तो वो 250 वाली क्वालिटी 250 जैसी ही होती है। आपको कोई उसका घर का डाल के नहीं दे रहा सर, वो भी दो पैसा कमाने के लिए ही बैठा है। अब मार्केट का ट्रेंड हो गया है इससे सस्ता, इससे सस्ता सस्ता, तो क्या आपकी सेवा करने के लिए थोड़ी दुकान खोला है कोई? दो पैसा मैं भी कमा रहा हूँ सर, मैं भी सेवा नहीं कर रहा हूँ, समझो। सब अपना अपना धंधा कमाने के लिए ही कर रहे हैं। ये मार्केटिंग का जरिया है कि मैं इससे सस्ता दे रहा हूँ, तो वो क्वालिटी वैसी होती है। सस्ता कोई अपना घर का थोड़ी डाल के देगा, अपना नुकसान करके तो कोई देता नहीं है। इसके दो कलर है, ठीक है। इसमें भी अपने पास ब्लैक इंडिगो हो गया, ब्लू इंडिगो हो गया, देखो जैसे एक ब्लैक इंडिगो है, चलेगा। ये डार्क, ये लाइट कलर, सबसे ज्यादा रेंज ये बिकता है। जिसने भी ले गया वो रिपीट पर रिपीट ही कर रहा है इसको। अच्छा, कटिंग सीखे, स्टिचिंग सीखे, फैक्ट्री डाली, प्रोडक्ट लोगों की बनाई, फिर अपना दुकान डाला हुआ है। डायरेक्ट नहीं बैठ गए के लो आ गया, समझ नहीं है, और गारमेंट चालू कर दिया। दो का इसका माल लाया, दो का इसका लाया, लेबल लगा दिया। आज मेरे से कोई मांग रहा है नया प्रोडक्ट आता है, जैसे हाँ। मेरी नया सैंपल आया, 20 सेट चाहिए, हाँ। तो मैं 20 सेट देता हूँ उनको। कैपेसिटी है 20-20 सेट दे सकते हैं। कॉटन बाय कॉटन में भी बनता है, जैसे अपने अभी इसके हिसाब से बना दिया ट्रेंड, ये कॉटन बाय कॉटन है, व्हाइट यान बाहर आना चाहिए। ये क्वालिटी कॉटन बाय कॉटन की पहचान है सर। अच्छा, कि व्हाइट यान बाहर आता है, जो पॉली होगा उसमें नहीं आएगा। ओके, जैसे इसका सेकंड कलर है, और जो पॉली होगा वो इतना साफ तार नहीं रहेगा, 100% कॉटन बाय कॉटन फैब्रिक के अंदर ही वो सीधा साफ तार दिखेगा, ठीक है। तो कोई मार्केटिंग नहीं करनी, गलत मार्केटिंग नहीं करनी। मैं बहुत बार कस्टमरों को बोल चुका हूँ, चीप रेट का मैंने बीच में माल बनाया था, 400 से 450 की रेंज, वो क्वालिटी मत लो मेरे से। मेरी जो 500-550 के प्लस की रेंज है वो लो मेरे से। उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, कपड़ा है, फिटिंग है, वॉशिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। डेनियम के अंदर 500 से रेंज स्टार्ट हो जाती है, 500 से लगा के 750 तक सारी रेंज मिल जाएगी। उसमें फंकी आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, एंकल फिट आ जाएगा, नैरो फिट आ जाएगा, सल्फर चार्ट आ जाएगा, सारा कलेक्शन अपने वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉटन में क्या रेंज है? कॉटन में अपने पास 450 से रेंज स्टार्ट होती है 600 तक। उसमें सारी क्वालिटी नीटिंग मिल जाएगा, साटिन प्रिंट मिल जाएगा, साटिन प्लेन मिल जाएगा, हेवी नीटिंग मिल जाएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मुनीर व्लॉग। सो दोस्तों, आज का वीडियो आ रहा है अहमदाबाद के जय क्रिएशन से। स्पेशल रमजान ईद का कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। दोस्तों, सर अपने काम के बारे में अपने व्यूअर्स को बताइए। जैसे मेरी फॉर्म का नाम है जय क्रिएशन, मेरा एड्रेस है B331 कर्णावती K9 घीकाटा अहमदाबाद, ठीक है। सभी व्यूअर्स आपको जानते ही है सर, हालांकि जो नए व्यूअर्स है उनके लिए थोड़ा आपके सेटअप समझाइए कि अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या रेंज में अपने काम करते स्पेशली वो, और अपने पास क्या क्वालिटीज मिल जाती है। जैसे अपने वहाँ डेनियम के अंदर 500 से रेंज स्टार्ट हो जाती है, 500 से लगा के 750 तक सारी रेंज मिल जाएगी। उसमें फंकी आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, एंकल फिट आ जाएगा, नैरो फिट आ जाएगा, सल्फर चार्ट आ जाएगा, सारा कलेक्शन अपने वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉटन में क्या रेंज है? कॉटन में अपने पास 450 से रेंज स्टार्ट होती है 600 तक। उसमें सारी क्वालिटी नीटिंग मिल जाएगा, साटिन प्रिंट मिल जाएगा, साटिन प्लेन मिल जाएगा, हेवी नीटिंग मिल जाएगा। ओके, मतलब वो वैरायटी उसमें। अभी फॉर्मल ट्राउजर्स में क्या रहता है? फॉर्मल ट्राउजर्स में बंटी बबली जो बाजार में जो चल रहा है, जो बिल्कुल बेकार हो चुका है, वो कपड़ा अपने यूज ही नहीं करते। अच्छा, अपना सारा इंपोर्टेड, और जो सारा मैं जो फैब्रिक दिखा रहा हूँ, हाँ। जो टेलर फिट जैसा रेमंड का लाके अपने दिक्षाम का लाके सिलाते हैं, हाँ। वैसी रेंज दिखेगी, जैसे एक सैंपल ही दिखा रहा हूँ आपको। ओके, मतलब फॉर्मल ट्राउजर्स में अपने फिटिंग काफी अच्छा दे रहे हैं। फिटिंग काफी अच्छा है, कोई एडजस्टेबल इलास्टिक नहीं है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा उसमें। जैसे टेलर फिट जैसे आपको पीछे से दबाव दे रहा है, हाँ। तो वो आप एडजस्ट करा सकते हो, आधा इंच प्लस माइनस वेस्ट करवा सकते हो, और फिटिंग मैं बोलता हूँ एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा, वो भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा बोल सकते कि अपने जो फॉर्मल पैंट्स है उसमें अपने ऐसा कि अपने अगर स्टिचिंग करेंगे उसमें जैसा अपने को फिट्स आता है वैसा ही फिट अपने को रेडीमेड में मिले में मिल जाएगा। ऐसा ही कॉटन में भी मिल जाएगा, इतना ही फिट आपको डेनियम में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेबल क्या रहता है अपने पास वैसे? जैसे अपने फॉर्मल में लेबल चालू किया है ग्रोटी 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 जो ये अपने TM करवा दिया हुआ है। ओके, और कॉटन ट्राउजर्स के अंदर अपना लेबल रहता है एडोपेरो। ओके, और Z19 डेनियम के अंदर, और दूसरे दो ब्रांड रहती है अपने पास। ओके, जो अल्टरनेट है। ओके, मतलब वो वैरायटीज,
जो अपने मेक टू ऑर्डर बना के देते हैं उनके पास से जो भी अपना लेबल यूज करते हैं उनका। ओके, मतलब वो अल्टरनेटिव चलता रहता है। ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि अपने पास क्या सेटअप है काम करने का। और व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि रमजान ईद का कलेक्शन है प्लस जेन्युइन सेलर है, तो आप इनसे आंख बंद करके जुड़ सकते हो, आपको काफी बेनिफिट मिलता है और ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं। तो डिस्काउंट की बात अपन वीडियो में करेंगे, सैंपल्स के साथ वीडियो को सर स्टार्ट कर देते हैं। डेनियम फंकी जींस से स्टार्ट करते हैं, जो एंकल फिट में अभी ज्यादा ट्रेंड में चलेगा ईद के हिसाब से। ठीक है, जैसे 3x1 फैब्रिक है। ओके, इसका लेंथ आप बता सकते हैं सर अपने व्यूअर्स को? आप एंकल में अपना 39 लेंथ आता है और नैरो में 41 प्लस आता है लेंथ। ओके, तो इसमें कितने सैंपल्स मिलते हैं अपने पास? अभी इसके 100 सैंपल आर्टिकल रेडी है। ओके, 100 आर्टिकल्स के ऊपर अपना फंकी के अंदर अवेलेबल रेडी टू स्टॉक है। ओके, मतलब अगर कोई अभी ऑर्डर करेगा तो उनको रेडी स्टॉक में माल मिलता है। जी जी सर। ओके, ये वाला पीस काफी अच्छा लग रहा है, इसका फैब्रिक और डिजाइनिंग थोड़ा समझा सकते हो? इसमें यहाँ देखो, जैसे येलो प्रिंट है तो येलो बटन लगा हुआ है, पूरा थीम बना हुआ है। इसके अंदर कपड़ा तो बेसिक लगा हुआ ही आएगा, स्टिचिंग जो कैनवास लगा के स्टिचिंग हुआ हुआ चिपकाया हुआ है या स्टिच किया हुआ है? नहीं, चिपका के स्टिच किया हुआ दोनों हो रहेगा। ओके जी सर। तो ये फैब्रिक क्या बोलते हैं इसको वैसे? 3x1 फैब्रिक है। ओके, जितने वीडियो सर मैंने बनाए एक चीज समझ आती है थोड़ी सी, कि 3x1 फैब्रिक में इस तरह का थोड़ा स्क्रैच वाला माल ज्यादा बनता है। नहीं, कॉटन बाय कॉटन में भी बनता है, जैसे अपने अभी इसके हिसाब से बना दिया ट्रेंड, ये कॉटन बाय कॉटन है, व्हाइट यान बाहर आना चाहिए, ये क्वालिटी कॉटन बाय कॉटन की पहचान है सर। अच्छा, कि व्हाइट यान बाहर आता है, जो पॉली होगा उसमें नहीं आएगा। ओके, जैसे इसका सेकंड कलर है और जो पॉली होगा वो इतना साफ तार नहीं रहेगा, 100% कॉटन बाय कॉटन फैब्रिक के अंदर ही वो सीधा साफ तार दिखेगा। ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं अपने 3x1 की रेंजेस में। जी, इसमें अपने पास क्या रेट्स रहता है ये जींस के? 550 से लगा के 750 की सारी रेंज रहती है, जैसी क्वालिटी वैसा रेट है उसका। ओके, और देसी के रो वॉश। ठीक है, और साइजेस क्या अवेलेबल रहती है सर? 28 से 36 तक सब साइज मिल जाएगी आपको सर। 28 से 36। जी, किसी को बिग वॉश पे टेयरिंग किया हुआ है, किसी को इसमें बिग साइज चाहिए तो मिल जाता है? बिग साइज मिल जाता है, वो 38 से 42 तक रहेगा सर। ओके, अच्छा पीस लग रहा है ये वाला। इस तरह के पीस की थोड़ी डिमांड रहती है ना मार्केट? जी सर, अभी इसके हिसाब से नॉन टेयरिंग भी मिल जाएगा आपको और टेयरिंग भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, इस आर्टिकल में, हर आर्टिकल में आपको 2 से 4 कलर की रेंज मिल जाएगी सर। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पीस लग रहा है। इसका फर्मा एक बार मेरे को समझाएंगे सर आप? फर्मा मैंने पहना हुआ है सर, एंकल फिट का। ये आपने कौन सी साइज वेयर करी है? मैंने 34 वेस्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये नी से भी फिटिंग होना चाहिए। जी, कि अपने खाली ये ऐसा नहीं है कि कमर से ही प्रॉपर जींस आना चाहिए, नी से भी अच्छा फिटिंग होता तो अच्छा बैठता है, मेरे को ऐसा लगता है। नी से है, लंगोट से है। ठीक है, पीस वहां से एकदम परफेक्ट बैठता है तो कंफर्टेबल रहता है आदमी को पहनने में। ओके, नहीं मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि ट्रायल रूम में जब आपका कस्टमर जाएगा हाँ, तो वो पीस फेंकेगा नहीं कि फिटिंग बराबर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। वो लेगा ही लेगा, वो पीस लेगा ही लेगा। और उसको कुछ दूसरा इश्यू होगा तो बात अलग है, बाकी फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्टिचिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वॉश का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, जैसे ब्लैक इंडिगो के अंदर अपने 2 आर्टिकल बिठाए इसमें। ठीक है, एक डार्क है एक लाइट है। ओके, हर एक कलर में मिल जाएगा आपको। ओके, वैसे ब्लू कलर है। एक मिनिमम कितना माल लेना पड़ता है आपसे जोड़ने के लिए? 30 पीस सर, ट्राई करो, 18 से 20 हजार का पार्सल होता है, छोटा अच्छी रेंज लेते हो आप, ज्यादा रिस्क मत लो, 30 पीस मंगाओ, चेक कर लो सारा कॉटन फॉर्मल सब मिला के, और चेक करके आपको प्रोडक्ट यूज करके फिर मेरे पास दूसरा ऑर्डर। ये बात मेरे को काफी अच्छी लगी कि एक होलसेलर हमेशा कोशिश करता है कि भाई कस्टमर 100 पीस का पार्सल है, बट आपने बोला भाई 30 पीस लो, एक बार चेक करो हमारा काम कैसा है, फिर ज्यादा मंगाओ। सही बात है सर। ये रो वॉश है। ओके, ये फैब्रिक क्या है? ये इम्पोर्टेड नीटिंग है। इम्पोर्टेड नीटिंग? जी, एकदम बहुत पावरफुल लाइकरा रहता है। अच्छा, लाइकरा होता है तो उसको ज्यादा बहुत खींचने की ऐसा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो यूं दिख जाएगा। हाँ, वो ज्यादातर अगर नीचे से खींचते तो समझ में आ जाता है लाइकरा कैसा है, और पहनने में कंफर्टेबल रहना चाहिए। यस, देखो ये भी ब्लैक पे है सर। ठीक है, तो ये टेस्ट का माल आपका बिकता किधर है ज्यादा? ज्यादा उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, MP है, मैंने जैसे बताया वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट के अंदर अपना सबसे ज्यादा सेल है सर। अच्छा, कस्टमर वहां से आपसे जुड़े हुए? जी। अच्छा, ये भी काफी फाइन पीस लग रहा है ये। फिर ये IBST कलर है, एक यूनिक कलर लगता है। ये IBST की भी डिमांड रहती है सर। कस्टमर मतलब बोलते हैं भाई IBST कलर बताओ, जैसे मैंने पहना हुआ है IBST कलर पहना हुआ है सर। यस, नाइस।
नहीं मैं तो वही बोलता हूँ कस्टमर को भी, जो भी आता है यहाँ पे दुकान पे, तो उनको कोई भी पीस जो आर्टिकल बोलो, फॉर्मल बोलो, कॉटन बोलो, जो आर्टिकल बोलो, आप वेस्ट बोलो, उनका पीस उनको पहना के चेक करा के फिर माल देता हूँ मैं। अच्छा एक मिनट, ये वाला पीस थोड़ा डिटेलिंग समझा सकते सर ये वाले पीस की, क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न अलग से दिए। जैसे डिस्चार्ज किया हुआ है यानी अच्छा। वहाँ से फैब्रिक का कलर ही निकल गया हुआ है सर। अच्छा यानी ये हाईलाइट ज्यादा होता है सर। एग्जैक्टली, तो ये धोने के बाद इसमें कुछ और कुछ नहीं होगा सर, डिस्चार्ज किया यानी वहाँ से कलर ही निकाल दिया हुआ है सर, मतलब वो एंड हो गया। ठीक है, ये भी अच्छा पीस है ये जी। इसकी एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग दी हुई है, जैसे यहाँ छोटा सा प्रिंट करवाया हुआ है, रबर प्रिंट है। हाँ। यहाँ जैसे पीछे भी अपने वॉच पॉकेट दिया हुआ है, यहाँ भी थोड़ा प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अपने पास सिर्फ ब्लू ब्लू शेड अवेलेबल है। जी, सारे शेड मिल जाएंगे। ब्लू में आपको कम से कम 25 शेड मिलेंगे, उसके बाद IBST है, ग्रे है, सारे शेड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो अभी 3x1 के सेट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक मिनिमम ऑर्डर बता दिया 30 पीस का, एक बार साइजेस बता दीजिए। 28 से 36 तक आपको साइज मिल जाएगी, 38 से 42 तक भी साइज चाहिए तो मिल जाएगी। और कलर ऑप्शन कैसा रहता है इसमें? कलर आप पिक एंड चूज, जो चार कलर है उसमें से एक कलर लो। ठीक है, जो कलर आपको पसंद आ रहा है वो कलर पसंद करके आप चूज करो उसमें। ओके, जैसे देखो मतलब कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। जी सर, थोड़ा फंकी बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ जीप लगी हुई है। ये क्या साइजेस में अवेलेबल है? ये भी 28 से 36। ठीक है, ये अप्रोक्स इसका रेट बता सकते हो, ये क्या रेट का माल है? 700 का पीस है ये जी। ये भी बहुत फाइन पीस है ये, 100% कॉटन बाय कॉटन, जैसे मैंने बताया ना कि यार्न में वो वीविंग नहीं आएगी, जो पॉली में वो तो दिख ही जाता है वो पॉली है। हाँ, ये सारे फंकी आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ जो। अच्छा चलो, आपने ये अपने पहले डिस्कस किया हुआ है कि पॉली और इसका जी, अपने व्यूअर्स ये चीज पहली बार सुन रहे हैं, उनको आप बताए कि ये क्या चीज आपने बताई। ये 100% कॉटन यान रहेगा तो साफ रहेगा सर, जो टेयरिंग किया हुआ है तो एकदम साफ निकलेगा उसका कॉटन यान, जो पॉली होगा तो वो गूंचड़ा बन जाता है सर। हाँ। खाली वो प्रेस करके एक ही बार बनाया हुआ होता है, बाकी वापिस था ऐसा का ऐसा हो जाता है पॉली यान। अच्छा, यानी एक पहचान है कि 100% कॉटन बाय कॉटन फैब्रिक है, तो ये चीज एक व्यूअर्स ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या आर्टिकल है? देखो इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग की हुई है, इसका पैटर्निंग देखो, पीछे का बैक पॉकेट का पैटर्निंग देखो, ये काफी अच्छा पीस है ये भी। मैं ज्यादातर नोटिस किया कि आपके जो पहले वीडियोस बन रहे थे और अभी जो वीडियोस बन रहे हैं, अपने सैंपलिंग काफी बढ़ा दी है। जी सर, अभी अपने पास 200 से ज्यादा आर्टिकल डेनिम में रेडी है सर। डेनिम में उसके कलर्स अलग और रेडी स्टॉक? जी रेडी स्टॉक, कलर्स अलग है। ठीक है, सारे कलर्स अलग आएंगे, अप डाउन कलर है, जैसे ब्लू कलर भी आपको एक जैसा ब्लू कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, सारा अप डाउन कलर दिखेगा। और वैसे अपन डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट अपन कैसे रहता है, कितने क्वांटिटी में PDF पे डाल रहा हूँ। हाँ। तो उस पे 10% का डिस्काउंट आएगा, 30 पीस लो या 300 पीस लो सर। वो क्वांटिटी ऐसा नहीं है? नहीं सर, जो रेट लिखा है PDF में उसमें बिल पे 10% का 10% डिस्काउंट मिलेगा सर। ठीक है, तो एक व्यूअर्स को भी जुड़ने में एक अच्छा रहेगा कि भाई पहली बार जुड़ रहे हैं, 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, इतनी वैरायटीज भी मिल रही है। खाली फॉर्मल कॉटन एक बार ट्राई करने के लिए दो दो सेट भी डाल दी तो 30 पीस, तो भी 30 पीस नॉर्मल ही हो जाता है। मैं बताया ना, मैं तो 18 से 20 हजार बोलता हूँ, जो फॉर्मल और कॉटन डाल्स देंगे। हाँ। तो 15 से 18 हजार के बीच में उनका बिलिंग हो जाएगा और उनको सब टेस्ट भी हो जाएगी आइटम। हाँ। के फॉर्मल का फर्मा क्या है, कॉटन का फर्मा क्या है, जींस का फर्मा क्या है। हाँ। आप कम्फर्ट फिट भी आ जाएगा अंदर। हाँ। तो 4-4, 5-5 पीस का सेट मिला के इनका 30 पीस हो जाएगा। अच्छा, कस्टमर के मेरे को फोन भी आए थे कि जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं तो उनको खाली प्रोडक्ट तक आप नहीं रखते हो, सर्विस भी अच्छी देते हो आप। जी सर, और खाना भी खिलाते हो, रेस्टोरेंट्स, वो सब मेरे को बताया उन लोग ने। मतलब एक ये जेन्युइन व्यापारी की निशानी है कि मतलब खाली काम तक नहीं है, उसके अलावा भी कुछ हेल्प चाहिए तो बताते। अपने यहाँ दूर से आते हैं, अपने को कॉल करते हैं तो अपने को उतना तो हेल्प करना जरूरी हो जाता है। यस यस यस, बोलते हैं लोग के Z19 वाले अंकल ने काफी हेल्प किया था। थैंक यू सर। ये सारे ब्लू कलर पे देखो कितना प्यारा लगता है सर। एग्जैक्टली, दोनों शेड, तीनों तीन शेड अलग है सर। ये शेड की कारीगरी है कि जो शेड बिठाना है, वॉश क्या बिठाना है अपने। हाँ। क्या वॉशिंग करना है, क्या उस पे प्रोडक्ट पे क्या खिल के आएगा। जैसे अभी मैंने दिखाया, यही आर्टिकल मैंने पहना हुआ है। ओके, सेम आर्टिकल मैंने पहना हुआ है सर। ठीक है, सेम पीस पहना हुआ है, सेम पीस पहना हुआ है। ये IBST का
कलर देखो रिजल्ट देखो। ओके, तो ये क्या फैब्रिक है और ये क्या मतलब अलग से रेंज रखी है? नहीं, ये अपना जो सबसे ज्यादा बिक रहा है कॉटन बाय कॉटन, अच्छा, जो अपने इतने टाइम से बेच रहे हैं। हाँ। आगे के वीडियो में भी इसी को आपने हाईलाइट किया हुआ है। यस, ठीक है, इसके कुछ सैंपलिंग्स कवर करते हैं व्यूअर्स के लिए। इसका अभी सेकंड कलर है ब्लू। ओके, अब जैसे मैंने दिखाया इसमें जो अपने थीम बनाते हैं तो नियॉन पाइपिंग लगी है, तो नियॉन कलर का स्क्रीन हुआ है, पीछे भी नियॉन का टचअप होगा, ठीक है। इसका सेकंड कलर है तो इसमें ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगी है, ऑरेंज का स्क्रीन हुआ है, पीछे भी ऑरेंज कलर है। हाँ। तो पूरा थीम बना के अपने पीस बनाया हुआ है। ओके, वेरी नाइस। दो दो पीस, ये भी कॉटन बाय कॉटन है, इसमें भी आपको 42 वेस्ट तक माल मिल जाएगा सर। ठीक है, अभी दो दो पीस करके बताते हैं ताकि व्यूअर्स को थोड़ा फास्ट सैंपलिंग देखने में मजा आए। इसके दो कलर है, ठीक है, इसमें भी अपने पास ब्लैक इंडिगो हो गया, ब्लू इंडिगो हो गया, देखो जैसे ब्लैक इंडिगो है, चलेगा। ये डार्क, ये लाइट कलर, सबसे ज्यादा रेंज है, बिकता है, जिसने भी ले गया वो रिपीट पर रिपीट ही कर रहा है इसको। अच्छा, ये रेंज ही अपनी ऐसी बनाई हुई है, जैसे ब्लू कलर के तीन शेड है सर। अच्छा, तीनों तीन शेड देखिए। तो ये वॉशिंग क्या कराई गई है इस पे? इसमें स्मोक वॉश है, टॉवल वॉश है। अच्छा, जैसे तीन शेड बन गए, एक ही आर्टिकल है। तो ये डेनिम में तो ऐसा रहता है कि भाई जो भी है पूरा वॉशिंग का ही खेल है। वॉशिंग का ही खेल है और फिटिंग का भी खेल है। बंदा पहनेगा ही नहीं सही, उसको फिटिंग ही नहीं आएगा तो क्या मतलब रहे? अपने हमेशा ये वीडियो में बोलते हैं कि अगर डिजाइन कितनी भी अच्छी हो, फैब्रिक कितना भी अच्छा हो, बट फिटिंग अच्छा नहीं है तो कस्टमर नहीं लेगा। सही बात है सर, कितना भी पैटर्निंग कर ले उसको फील ही नहीं आएगा, कपड़ा पहना है मजा नहीं आ रहा है, उसको बैठक नहीं बैठ रही है पैंट में, तो वो छोड़ देगा। हाँ, ना अपना तो क्या, अपने 50 पीस दिखा के उनको 50 पीस सेल कर देते, 100 पीस सेल कर देते, उनको 50 पीस दिखा के कस्टमर को 2 पीस सेल करने, तो सबसे बड़ा है वो ट्रायल रूम में जाए। हाँ, तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। और ये जो आप रेंज बेच रहे हो 600-700 वाली, तो वो रिटेल भी 800-900-1000-1100 में आराम से सेल होती है और बेचते लाइन से बिक रही है सर। वो कस्टमर भी अगर 1000 रूपए दे रहा है तो सामने वो पीस में फर्मा क्वालिटी मांगता है। जी सर, ऐसा नहीं है भाई, जो ऐसा चलाने वाला काम नहीं होता इसमें। जी सर, इसका भी देखो ये भी IBST कलर है, ठीक है, जैसे मैंने पहना वो थोड़ा सा लाइट है, डार्क है IBST। मैंने एक डेनिम का आइडिया दे दिया कि अपने पास क्या टेस्ट का डेनिम है। सर, वो पीछे सोफे पे क्या रखा हुआ है? पूरा माल सारा इम्पोर्टेड और कार्गो रखा हुआ है और ट्रैक पैंट रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये कार्गो है। ओके, ये कार्गो, ये क्या फैब्रिक है? ये साटिन प्लेन है, इसमें इतना कलर चार्ट मिल जाएगा आपको, फिजिकली कलर चार्ट देखना है तो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। इसका बटन का गेटअप भी देखो सर, इसके कलर कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे के सारे अच्छे कलर्स हैं इसमें। इसमें से खाली एक कलर चॉइस करना है सर आपको, पहले ट्रायल के लिए एक कलर लो, चेक करो, फिर आगे ऑर्डर देना। अच्छा, एक कलर बताइए ना सारे अपने व्यूअर्स को। ये कार्गो की पैटर्न भी काफी अच्छी है और फैब्रिक क्या बताया आपने? ये साटिन प्लेन है सर, ठीक है। इसमें साइजेस क्या है? इसमें 30 से लगा के 38 तक सर। ओके, वेरी नाइस। कोई भी बंदा पहन सकता है, इतना वाहियात नहीं लगता सर। बहुत अच्छा लिख रहा है, इसके बटन भी हैवी लगाए तो सर, एक पीस का गेटअप अच्छा आएगा इसका। इसका लुक ही देखो, बटन स्क्रीनिंग। ओके, अभी ये इसकी बात हो गई, अभी नेक्स्ट क्या आर्टिकल है? ट्रैक पैंट है सर, ट्रैक भी रखते हैं अपने। ये ट्रैक पैंट है सर, ट्रैक नहीं है सर, इसको बटन भी दिया हुआ है। हाँ, इसमें नाड़ा भी लगाया हुआ है और इलास्टिक भी लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये इलास्टिक लगा हुआ है सर। ओके, मतलब इस तरह का थोड़ा फैंसी माल भी रखते हैं। और ये फोर वे है सर, प्योर इम्पोर्टेड है सर। अच्छा, कहीं से भी खेचो इसको। और ये फचके का नहीं कपड़ा, इसमें भी 6 से 7 कलर मिल जाएंगे। फचके का बोले तो कैसा होता है? मतलब जैसा चालू कपड़ा होता है जो इम्पोर्टेड बोलते हैं, तो बैठे यहाँ से सिलाई से निकल गया है, ब्रेक हो गया वहां से। हाँ, वैसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने हर वीडियो के स्टार्ट करने से पहले 2-3 घंटे अपने डिस्कशन करते ही है। जी। आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपकी खुद की फैक्ट्री है, तो चलो वो बात को लेकर ही पूछते हैं। अपने व्यूअर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए परचेजिंग में? सभी स्टिचिंग देखना चाहिए, जीपर की क्वालिटी देखनी चाहिए, पॉकेटिंग की क्वालिटी देखनी चाहिए। खाली बोलने से नहीं हो जाता, डबल काउंट नेटिंग फैब्रिक अलग होता है, उसका वेट अलग आता है, सिंगल काउंट नेटिंग का अलग होता है और कॉटन बाय कॉटन अलग होता है। और उसमें भी मिल है, एक नॉन मिल कपड़ा ले लिया था। हाँ, तो वो भी कॉटन बाय कॉटन था, पर उसका फील ही नहीं बैठता है सर। मैंने रेंज गिराने के लिए, कस्टमर मांग रहे तो मैंने रेंज गिराने के लिए बनाया। हाँ, पर वो फील ही नहीं बैठा सर। कस्टमर आता है, उनको बोल के देता हूँ ये चीज है सर। हाँ, आपको परचेस करना हो तो करो सर। अच्छा, उसके लिए कोई फोर्स नहीं। अच्छा, नहीं के खाली माल चिपकाना है वो? नहीं, नहीं, नहीं सर, मैं बहुत कस्टमर को छोड़ देता हूँ, आपके वहाँ रेंज नहीं चले तो मेरे वहाँ से मत लो सर।
आपके वहाँ बिकना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए पहले, वो जरूरी है सर। अच्छा, ये क्या आर्टिकल है सर जी? जैसे ये भी ट्रैक पेंट है, इम्पोर्टेड ट्रैक पेंट, इम्पोर्टेड जी, ठीक है। ये क्या फैब्रिक है? ये भी इम्पोर्टेड है सर। अच्छा, वो फोरवे था और ये खाली इम्पोर्टेड है, ये फोरवे नहीं है सर। अच्छा, इसके कितने कलर्स मिलते हैं? इसके आपको 8 कलर मिल जाएंगे। ओके, मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि इसके कलर चार्ट काफी अच्छी है। ये जो आपने रिसेंटली कॉटन के आर्ट, इसको फ्रीली पहनी है, इतना फिटिंग विटिंग, कोरियन फिट नाम दिया है हमने इसको। अच्छा, कोरियन फिट बोला तो कैसा रहता है? थाई से थोड़ा लूज रहता है, थाई से लूज रहता है। अच्छा, पूरा कंफर्टेबल, इसको दिन में भी पहन सकते हो समर में, हाँ, और रात को भी पहन सकते हो। अच्छा, फिर बार जैसे संडे है, हाँ, उसको यूज कर सकते हो। हाँ, चलेगा। थोड़ा कॉटन ट्राउजर की वैरायटी दिखा सकते हो अपने व्यूअर्स को? जैसे ये भी कार्गो है। अच्छा, ये क्या रेंज का माल है? ये सब 700 से लगा के 800 के बीच का माल है, 700 से 800। उसमें डिस्काउंट, उसमें डिस्काउंट होता है, 10% डिस्काउंट होता है। अब कॉटन पेंट में ले और एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट होता है अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो। नेक्स्ट अभी क्या बता रहे हो सर? एक कॉटन ट्राउजर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये शर्ट इन प्रिंट है, ओके। फिर ये निटिंग है जिसमें 3 कलर एवर टाइम बनना रहता है, डिजाइन थोड़ी थोड़ी नॉर्मल चेंज होती है। हाँ, ब्लैक ब्लू कॉफी, एनी टाइम आपको इस आर्टिकल के अपने को इस टाइप के कपड़े को अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जो एल पॉकेट भी मिल जाएगा और क्रॉस पॉकेट भी मिल जाएगा। अच्छा, एल पॉकेट भी है, क्रॉस पॉकेट भी है जी। तो ये कॉटन ट्राउजर्स क्या रेंज में रहता है? ये 450 से लगा के 600 के बीच की रेंज है सर, 450 से 600 तक बराबर। ये प्लेन है, ये जैसे क्रॉस पॉकेट दिखाया, हाँ, एल पॉकेट है, ठीक है। ये भी अभी इस कॉटन में एल पॉकेट की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है सर। अच्छा, जैसे एल पॉकेट होगा तो पीछे पेज पॉकेट होगा, जैसे जींस का बनता है सर। अच्छा, एक ऐसा प्यारा, इसके सारे ये तो डिजाइन दिखा रहा हूँ सर। हाँ, इसके कम से कम 4 से लगा के 8-8 कलर का चार्ट है सर। तो मतलब ये जो भी आपने दिखाया सबके फैब्रिक्स अलग अलग है, सबके फैब्रिक्स अलग अलग है, बराबर है। जैसे हैवी नीटिंग है, ओके। ये नीटिंग भी बहुत टाइप की आता है सर, बोलने को नीटिंग होना नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो ये फैब्रिक देखो सर, इसका वीविंग देखो, इसमें बहुत क्वालिटी आती है, बहुत क्वालिटी आती है। वेट वेट का कपड़ा है, यान यान का फर्क है इसमें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कपड़े में तो कोई ऐसा माप ही नहीं सकता है कि एग्जैक्ट ये क्या फैब्रिक है। मेरे साथ वाले बहुत कम लोग है सब, जो जानते जान सकते हैं, जो पुराने हो चुके, बाकी दिखाना ये नीटिंग है और देना कुछ अलग नीटिंग है। हाँ, इससे हल्का कपड़ा भी आता है, 250 रुपए में भी नीटिंग का पेंट बिकता है, पर वो नीटिंग ही अलग होता है सर। अच्छा, तो उसमें ये इसमें वजन होता है ग्राम? ये 460 ग्राम का पीस बनेगा अपना। अच्छा, 360 ग्राम की क्वालिटी है सर, यानी किलो पे। अच्छा, तो ये सब मतलब अगर कोई व्यूअर्स डायरेक्टली पूछेगा तो आप उनको ज्यादा डिटेल्स में समझा पाओगे। क्या फैब्रिक है ये? चाइना बॉन्डिंग है, चाइना बॉन्डिंग, तो इसमें अच्छा चलता है जी सर। फिर ये चिनो से, इसके भी कलर है, 8-8, 10-10 कलर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेटिंग प्रिंट है, एक क्रॉस पॉकेट है, ऐसे कलर चार्ट मिलता ही रहेगा आपको, 5-6 कलर आराम से मिल जाएंगे इसके अंदर, बराबर। और कलर जो चॉइस करके लेना है वो लीजिए आप, ठीक है। स्लब नेटिंग है, बराबर। क्वालिटी का कपड़े का फर्क है सर, के कपड़ा क्या है, उसका स्टिचिंग क्या है, उसके अंदर मटेरियल, उसका डिटेलिंग क्या क्या हुआ है। जैसे यही है, हाँ, तो इसका डिटेलिंग देखिए सर। अच्छा, खाली मेरे को ऐसा डाउट है, अभी व्यूअर्स को डाउट हो तो पता नहीं, जो समझो कि ऐसा फैब्रिक है, अभी समझो कि आपकी 600 की रेंज है या 650 की रेंज है, कोई अगर स्टिचिंग नॉर्मल करा देगा या स्क्रीनिंग हटा देगा या कुछ चीजें इसमें से हटा देगा और बोलेगा 450 में पीस है, डालोगे तो ऐसा ही मीठा होता है सर। अच्छा, जैसा पैसा दोगे वैसे ही क्वालिटी मिलती है आपको। कोई बोलेगा कि मैं 250 में दे देता हूँ तो वो 250 वाली क्वालिटी 250 जैसी ही होती है आपको, कोई उसका घर का डाल के नहीं दे रहा है सर, वो भी 2 पैसा कमाने के लिए ही बैठा है। अब मार्केट का ट्रेंड हो गया है इससे सस्ता, तो क्या आपकी सेवा करने के लिए थोड़ी दुकान खोला है कोई? 2 पैसा मैं भी कमा रहा हूँ सर, मैं भी सेवा नहीं कर रहा हूँ, समझो। सब अपना अपना धंधा कमाने के लिए ही कर रहे हैं, ये मार्केटिंग का जरिया है कि मैं इससे सस्ता दे रहा हूँ तो वो क्वालिटी वैसी होती है। सस्ता कोई अपना घर का थोड़ी डाल के देगा, अपना नुकसान करके तो कोई देता नहीं है। मिल से कोई कपड़ा नहीं लेता सर, डीलर से ही आता है कपड़ा, खाली बोलने को नहीं होता, बराबर। मैं भी बोल देता हूँ मैं डायरेक्ट रेमंड से कपड़ा ले रहा हूँ तो थोड़ी हो गया रेमंड मुझे देगा, रेमंड से तीसरे हाथ पे हमारे हाथ में कपड़ा आता है सर,
ऐसा डायरेक्ट थोड़ी डीलर मेरे को मिल दे देगा, डीलर आएगा उसके बाद एजेंट पे आता है, एजेंट से फिर दलाल हमको देने आता है कपड़ा, तब हम परचेस करते हैं। डायरेक्ट रेमंड कोई नहीं देता सर, खाली बातें बोलने से थोड़ी हो जाता। मैं डायरेक्ट मिल से लेते हैं, डायरेक्ट हमारे मैं फैक्ट्री पे ले जाऊं, मेरी फॉर्मल की फैक्ट्री है तो ही मानोगे कि मेरा प्रोडक्शन मेरा खुद का है। मैं जो जानता है, मुझे कस्टमर मेरी शॉप पर आता है उसको मालूम है कि मेरी फैक्ट्री है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है। मैं बोलने को नहीं बोलना है मुझे, जो एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ और जो क्वालिटी है वही बता रहा हूँ। मुझे कोई मार्केटिंग नहीं करनी, गलत मार्केटिंग नहीं करनी। मैं बहुत बार कस्टमरों को बोल चुका हूँ चीप रेट का, मैंने बीच में माल बनाया था 400 से 450 की रेंज, वो क्वालिटी मत लो मेरे से, मेरी जो 500-550 के प्लस की रेंज है वो लो मेरे से। उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, कपड़ा है, फिटिंग है, वॉशिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। पर आपको लेना ही वो 400 वाला है तो सर मैं तो समझा दिया आपको, उसकी गारंटी लेता ही नहीं हूँ मैं कोई ना। मैंने गलती से बना दिया था मुनीर भाई, अपने वो रेंज पे अपने चल गए थे बाजार का ट्रेंड देख के, सस्ता सस्ता, पर अपने को वो नहीं जमता। मैं जो रेंज बना रहा है अपनी रेंज वही बराबर, अपने पास अच्छी रेंज ही चल रही है। जी सर, अपने पास कस्टमर भी नहीं है, वो उसको फिर आ गया अपना फॉर्मल। अच्छा, ये क्या फैब्रिक है? ये ट्विल लाइक्रा है सर, ट्विल लाइक्रा, नॉर्मल लाइक्रा रहेगा, 100% पॉली नहीं है, विस्कोस मिक्स है, भिलवाड़ा और भिवंडी का कपड़ा रहता है, मुंबई का, नथिंग कोई इम्पोर्टेड। इसमें 5 से 7 कलर का चार्ट रहेगा। एक चीज है कि आप जितनी जेन्युइन बात कर रहे हो तो अपने व्यूअर्स को एक ट्रस्ट आ जाता है कि भाई खोटा लंबी नहीं दे रहे जो है। मैं आपको पीस ही दिखा देता हूँ सर, अंदर का डिटेलिंग मुझे नहीं, बंटी बबली नहीं कि वो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो उसकी जगह वो लोग बेच रहे, उनका बिजनेस है, जैसे अपना वॉच पॉकेट बना हुआ आएगा। हाँ। एडजस्टेबल बेल्ट बनाते, यानी 3 से 4 वॉश के अंदर एडजस्टेबल बेल्ट खत्म हो जाता है सर। अच्छा, वो कमर से हो जाएगा, सीट से और थाई से नहीं हो रहा है तो उस पीस का वैल्यू क्या सर? पहला वॉच पॉकेट ही गायब हो जाता है उसका। हाँ। अंदर अपने बोला है कि मार्जिंग दिया हुआ है, मैं आते ही इसका माइनस प्लस करने का, तो वो मार्जिंग दिया हुआ है सर। हम खुद टेलर है सर, हमने खुद ने फैक्ट्री चलाई, हमको पूरा नॉलेज है सब चीज का। आप बता रहे थे कि आप 50 एक मशीन का आप खुद फैक्ट्री चला देते। जी सर, पहले जॉब करता था, फिर अभी अपने 2017 से अपने शॉप डाली है। अच्छा, तो जिसको मतलब फैक्ट्री का नॉलेज एक्सपीरियंस होता है तो उनको पता होता है। कटिंग सीखे, स्टिचिंग सीखे, फैक्ट्री डाली, प्रोडक्ट लोगों की बनाई, फिर अपना दुकान डाला हुआ है। डायरेक्ट नहीं बैठ गए कि लो आ गया, समझ नहीं है और गारमेंट चालू कर दिया, दो का इसका माल लाया, दो का इसका लाया, लेबल लगा दिया। आज मेरे से कोई मांग रहा है नया प्रोडक्ट आता है, जैसे हाँ। मेरी नया सैंपल आया, 20 सेट चाहिए। हाँ। तो मैं 20 सेट देता हूँ उनको, कैपेसिटी है 20-20 सेट दे सकते हैं। अब समझो छट गया है उसके अंदर से मेरे पास से माल। हाँ। क्योंकि कम से कम मेरे मोबाइल के अंदर 5,000 नंबर सेव है। आज मैं ऑर्डर व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता हूँ या उनको ब्रॉडकास्ट में पीस डालता हूँ। हाँ। तो आधा माल तो वहीं खत्म हो जाता है सर। अच्छा, ने बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है अपने क्वालिटी के लिए, नहीं वो 400 से 450 वाली क्वालिटी बिकती नहीं है मेरे से सर। ने मैंने वो बंद ही कर दी, नहीं बना नहीं अपने, न जिसको भी दे रहा हूँ तो बोल के दे रहा हूँ भैया मेरे को ये क्लियर करने का है। एंकल फिट भी मिल जाएगा इसमें, पोलो फिट भी मिल जाएगा, पोलो फिट यानी 41 लेंथ। ठीक है, जैसे आपने अभी फैक्ट्री की बात छेड़ी थी, किसी को खुद के लेबल से माल बनाना हो तो ऐसा कुछ करके देते हैं? मैंने बताया था पिछली बार के आपने, अब उनके लेबल से भी पर आर्टिकल, मैं ये चौखवट करना चाहता हूँ, साफ साफ बताना चाहता हूँ, पर आर्टिकल 32 पीस चाहिए, 16 पीस का एक कलर, दूसरे 16 पीस का एक कलर। अच्छा, ऐसे 32 पीस में आपको अपना लेबलिंग करके मिलेगा सर। ठीक है, मतलब 32 पीस मिनिमम रहता है। जी, मिनिमम रहते हैं। मैंने 48 किया था, पर उसकी क्वांटिटी मैंने कटा कम करके 32 पीस कर दी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, होलसेलरशिप, ऐसा कुछ करते अपने? जी नहीं नहीं सर, अपना वो फिर वो कहाँ, वहाँ से कस्टमर लेके जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से और अपना सीधा सर्च मारता है मुनीर भाई आपका वीडियो बाहर आ जाता है, वो कर ही नहीं पाएगा, उसको मार्जिन नहीं मिलेगा, क्यों ऑलरेडी अपने डायरेक्ट कस्टमर को रिटेलर को 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो फिर वो भी जो डीलर लेके जाएगा 2 पैसा तो कमाएगा ना, वो GST भर रहा है, पार्सल खर्चा लगा रहा है, दुकान लेके बैठा है, यानी अपना डायरेक्ट रिटेल चैनल अच्छी है और उससे ही अपने ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, डिस्काउंट मिल जाता है, इन शॉर्ट क्वांटिटी लेता है तो कोई। नेक्स्ट बता रहा हूँ सल्फर चार्ट। ठीक है, जिसमें 4 कलर से 8 कलर की रेंज मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो ये सल्फर में कलर कटिंग होता है या कलर बिठाते हैं इस पर? कलर बिठाते हैं, RFT कपड़ा होता है। हाँ। उसके ऊपर अपने ये कलर ओवरडाइंग किया हुआ है सर। तो ये शर्ट में अलग होता है, जींस में अलग होता है सर। अच्छा, जैसे 4 कलर का चार्ट है। हाँ। इसकी पैटर्निंग देखिए सर, इसका डिटेलिंग देखिए,
चलेगा छोटा छोटा, ये अभी वेस्ट बंगाल की साइड बहुत चल रहा है। अच्छा, के सल्फर नेटिंग चाहिए, इसके चार कलर है। अच्छा, समझो कि अगर मैं मेरी नई रिटेल की दुकान खोल रहा हूँ तो पहली बार अगर मैं परचेजिंग के लिए अहमदाबाद आ रहा हूँ तो कैसे आ सकते हो और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बताएंगे सर? सीधा आप रेलवे स्टेशन आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन आके मुझे फोन करिए, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, यानी मेरे डिजिटल कार्ड के अंदर लोकेशन दिया हुआ है, सीधा मार्केट का ही लोकेशन मिलेगा। तो आप सीधे ऑटो में बैठ के आ सकते हैं। इसका लाइकरा देखिए सर, चलेगा। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा, ये सब सल्फर ये पीछे जो रखा, एक काम करते हैं सर, ये अगर पूरा अगर सल्फर है तो इसके खाली कलर बता देते हैं, नेक्स्ट आइटम की ओर बढ़ते हैं। जी, ये पूरा कपड़ा अलग है सर, पैटर्न अलग है। अच्छा, तो इसमें सल्फर में कलर अलग और पैटर्न अलग अलग मिल जाए, अलग अलग मिलेगी। जैसे ये मैटी कपड़ा है सर, इसमें 6 कलर का चार्ट है, मैटी फैब्रिक 6 कलर का चार्ट है। ठीक है, इसका फैब्रिक देखेंगे, इसका थोड़ा डिजाइन जाने वाला फैब्रिक रहता है। अच्छा, और ये 6 कलर का चार्ट है। ठीक है, फिर ये स्लब है, स्लब फैब्रिक जी, इसका डिटेलिंग है। ठीक है, 4 कलर से 8 कलर इसमें भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये दूसरा RFD है, ये भी हल्का दानी वाला कपड़ा है। अच्छा, इसमें भी आपको डिटेलिंग मिल जाएगा, लेजर प्रिंट किया हुआ है, चलेगा। रखा हुआ ये क्या है? बेसिक चार्ट है जो कंफर्ट फिट रहता है सर। हाँ, उसमें जो 12-12, 15-15 कलर की जैसे रेंज बनती है अपनी। हाँ, 32 से 40 वेस्ट तक अपने को मिल जाएगा, 42 तक वेस्ट तक मिल जाएगा इसका। तो, फर्मा देखिए, तो इसका फिट कैसा रहता है? देखिए, कंफर्ट फिट रहता है, लूज रहता है सर, कंफर्ट फिट देता है जी। इसका एक बार पूरा कलर चार्ट उठा सकते हैं सर, एक बार जी उठा लेता हूं। ये भी कंफर्ट फिट है। ओके, ये वो कॉटन नेटिंग था। हाँ, ये RFD नेटिंग। अच्छा, ये समझो ना, थोड़ा जो बड़ी एज वाले रहते हैं जी, तो ये बोलते हैं कि भाई इस बड़ी एज वाले जो ऑफिशियल लोग है सर, जो संडे को दिन पहनते हैं, रिलैक्स होना है उनको। हाँ, ये अपने पास एनी टाइम एक कलर चार्ट बनता रहता है, जैसे अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, ऐसे ही कलर चार्ट अपने पास रनिंग बनता रहता है। तो उसमें क्या है कि कंफर्ट फिट वाले में ना बहुत कलर का वो लमड़े नहीं लेने पड़ते, भाई ये नहीं है वो नहीं, इसमें सब पसंद कर ही देते हैं जी सर। जो लेता है कम से कम 7-8 कलर तो पसंद कर लेता है। हाँ, फिर रहा अपने पास RFD सल्फर जो नैरो फिट के अंदर रहता है। हाँ, उसका ये फिटिंग है, चलेगा। इसमें भी 8 से 10 कलर मिल जाते हैं जैसे कम्फर्ट के अंदर मिले अपने। हाँ, जैसे 10 कलर की रेंज है बराबर। ये मस्त लग रहा है सब, कंफर्ट फिट भी बता दिया, कैजुअल वेयर में भी है, थोड़ा कंफर्ट वाली चीजें चाहिए तो वो भी मिलता है, वो भी मिल जाएगा। यानी बॉटम वेयर के अंदर आपको अपनी दुकान में सारा चीज मिल जाएगा। अरे ये क्या है? ये कार्गो है सर, RFD कार्गो, जो मैंने सल्फर कलर पे भी दिखाया ना। हाँ, अब इसमें 2 कलर ही बच गए हैं। ठीक है, तो ये रेट टू रेट निकाल देंगे। ठीक है, मतलब एक व्यूअर्स को आइडिया दे दिया कि क्या है शॉप पे, क्या नहीं है। मेरे को जितना समझ में आ रहा था, जितने सैंपल्स मैं निकाल सकता उतना निकाल दिया। बाकी एक मिनिमम कितना? 30 पीस लेने पर, और साइजेस 28 से लेकर 36, 38, 40, 42 अलग सेगमेंट है, वो अलग मंगा सकते हो। और फुल लेंथ एंकल लेंथ दोनों रहता है, फिट में कंफर्ट फिट, नैरो फिट रहता है, फॉर्मल ट्राउजर्स में वो ज्यादा अटपटा आइटम नहीं रहता है, जो टेलर फिट है वो एकदम प्रोफेशनल, जो ऑफिस के लिए पहनना चाहते हैं, यूज करना, शादी में यूज करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट आइटम है। अच्छा, ओके, और जो नए व्यूअर्स है, जो फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ओनली सर 30 पीस मंगाइए, और जो आपसे बनता है तो आप मेरी शॉप पर विजिट करके परचेस करिए तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, और आपसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ऑनलाइन मेरे से ओनली 30 पीस मंगा के मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट चेक करिए सर। मैं ज्यादा बजट की बात नहीं करता हूँ, मुझे 50 पीस 60 पीस का ऑर्डर नहीं चाहिए, ओनली 30 पीस का ऑर्डर चाहिए। हाँ, उसमें सारी क्वालिटी मिला के आपको मैं एक पैकेज बना के दे देता हूँ। हाँ, मेरे पे भी छोड़ोगे तो मैं कॉटन बाय कॉटन है, 3x1 है, फॉर्मल है, कॉटन है। हाँ, सारा मिला के आप एक छोटा सा पार्सल बना के मैं भेजने के लिए रेडी कर दूंगा। अच्छा, व्यूअर्स को एंड में बोलना चाहूंगा कि जेन्युइन सेलर है, आप इनसे जुड़ सकते हैं, 100% गारंटी, आपको पेमेंट में कभी टेंशन नहीं आएगा। आप आंख बंद करके भी अगर 2-3 लाख 5 लाख डाल देंगे तो आपका पैसा किधर भी नहीं जा रहा, इतना भरोसा मैं ले सकता हूँ। और रही बात के माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैरायटी मिल जाती है कि भाई 10 दुकान नहीं घूमनी पड़ेगी। Z19 में आ गए, देखो पैसा डाला है ना, उसको माल गया तो उसके लिए
कस्टमर खुद बोलेगा अभी अपने पास अभी यहाँ हाजिर में नहीं है हाँ। पर वेस्ट बंगाल वाले उड़ीसा वाले एमपी वाले हैं हाँ। वो मेरे को लाखों रुपए डाल भी रहे हैं हाँ। हजारों रुपए डाल भी रहे हैं, मैं पार्सल निकाल भी रहा हूँ। मेरे से कहीं प्रोडक्ट एक दिन कभी लेट आने वाली है, जैसे मैंने करंट दिखा दी फोटो खींच लिया, तो मैं एक दिन लेट पे पार्सल निकालूंगा हाँ। पर उसकी जगह कोई गलत आर्टिकल आपको नहीं भेजूंगा, गलत माल नहीं आएगा। फिटिंग फर्मा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, जवाब मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बार काम करना है, रेगुलर काम होगा। और आप YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। बाकी सर इतनी जबरदस्त वैरायटीज कवर करने के लिए थैंक यू सो मच, ऐसी वैरायटीज लाते रहे सर। थैंक यू।